हमारे आमदनी 7-8 हजार रुपए की, ये 2000 इसमें गए तो हमारी जिंदगी कैसी चलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पास 3 साल से मैं पूछ रहा हूं आपको, वहां रस्ते और ड्रेनेज नहीं है। हमको इतनी खुशी है आज ये हमारे लोगों में, आज दिवाली और रमजान का माहौल मैं देख रहा हूं। हमारे कुछ सवाल है, कुछ अड़चन है पंत प्रधान जी। हमें क्या बैंक से पैसा मिला, 12,100 लोगों को मिला, लेकिन महीने को 2000 हफ्ता बैठ रहा। हमारे आमदनी 7-8 हजार रुपए की, ये 2000 इसमें गए तो हमारी जिंदगी कैसी चलेगी। तो मेरा सुझाव है पंत प्रधान जी से, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के तरफ से, आप 2 लाख रुपए सब्सिडी बढ़ाओ, ये हमारी विनंती है आपको। हमारी दूसरी विनंती है, बिजली को 1,200 रुपए जाते हैं। मैं खास कर देवेंद्र जी फडणवीस को विनंती करता हूं, हम 2-3 हजार देने को तैयार है, या सोलर बिठाओ, सोलर बिठाने के बाद 50 रुपए भी बिल नहीं आएगा, ऐसा करामत महाराष्ट्र शासन के तरफ से होने वाला है। मेरी विनंती है उनको, या 5 लाख को मकान है। केंद्र सरकार ने लेबर सेस लगाया हमारे ऊपर, 10 लाख रहे तो लेबर सेस 1% लगता है, और हमको लेबर सेस से 15,000 हमारा मकान का कीमत बढ़ने वाला है। आज 2 साल हो गए, हम कोशिश कर रहे हैं, केंद्र के लेबर मिनिस्टर मानने को तैयार नहीं है। मेरी विनती रहेगी पंत प्रधान जी से, आप या 1% हमारा लेबर से कम कीजिए। ये बगल में 50,000 की बस्ती है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पास 3 साल से मैं पूछ रहा हूं आपको, वहां रस्ते और ड्रेनेज नहीं है। वहां के हमारे बीड़ी महिला मुझे पूछती, रानगर में सब कुछ आया फिर हमको क्यों नहीं आना। तो ये पानी के वहां ड्रेनेज के वास्ते 70 करोड़ और रस्ते के वास्ते 10.25 करोड़, 6 बार निवेदन आपके पास मैं दिया हूं, इसका भी निर्णय होना, ये हमारी विनंती है। हमारी सबसे महत्व की विनंती है पंत प्रधान जी के सामने, आप देश में 67 लाख लोग रिटायर हो चुके हैं, उनको 95 के नीचे 1,000 उनको पेंशन मिलता है। कोश्यारी कमेटी का रिपोर्ट आ चुका है, 6 साल हुआ। हमारी बहन मथुरा की खासदार हेमा मालिनी 2 बार आपके पास आ चुकी, डेपुटेशन दिया। तो हमारी विनती रहेगी कि ये संगठित कामगार, हर महीने 5,000 लोग मर रहे हैं, तो हमारी विनती रहेगी पंत प्रधान जी को, 10,000 रुपए पेंशन इस मौके पर आप देना, घोषणा करना। सोलापुर शहर एक क्रांतिकारक शहर है, ये मजदूर का शहर है, ऐसे शहर में आप इसका ये करना। 2014 में पंत प्रधान जी ने हमको वादा किया था, मैं पूरा मिलिट्री का कपड़ा या दूंगा, साहब या 1 लाख लोगों को नौकरी मिल सकती है, हमें ऑर्डर दीजिए। वो ना वैसा कामिया का मजदूर करने को तैयार है, लेकिन हमको काम ही मिलता नहीं है, तो हम क्या करें। पंत प्रधान जी
यहाँ का किसान का मैं आभार हूं। 400 एकड़ जगह उन्होंने दिया है। वैसा ही मसला ये अक्कलकोट और बारिश का चल रहा है। मैं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को निवेदन करता हूं, आप उस किसान को उनका मुआवजा दीजिए। किसान जुगर का टुकड़ा तुमको देता है, यही हमको ये बातें पंत प्रधान के सामने मुझे रखने का था। शांति से सुने हैं तो सोलापुर में श्रमिकों का शहर बन रहा है साहब, आप हमको घर दिया नहीं बंगला दिया।